उत्सवी माहौल में समर्पित की गई सालिग्राम शिला। सालिग्राम देवताभ्याम नमः, ओम श्री विष्णुभे नमः, पार्वती पतये नमः जैसे वैदिक मंत्रों के बीच नेपाल की काली गंडकी नदी से आई दो देवशिलाएं बृहस्पतिवार को राम मंदिर ट्रस्ट को समर्पित की गईं। इससे पहले सुबह 10:30 बजे राम सेवकपुरम में शिलाओं का 51 वैदिक आचार्यों ने विधि विधान से पूजन। यजमान की भूमिका में नेपाल के पूर्व उप प्रधानमंत्री विमलेंद्र निधि व जनकपुर मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास रहे। उन्होंने ट्रस्ट को शिलाओं का समर्पण पत्र भी सौंपा। बृहस्पतिवार को पूरे राम सेवकपुरम परिसर में उत्सवी माहौल था। चहुं ओर राम धुन और जयघोष गूंज रहा था। जहां शिला रखी थी उस स्थल को फूलों से सजाया गया था और भगवा ध्वज भी सुंदरता बढ़ा रहे थे। कार्यक्रम स्थल पर लगाए गए नेपाल व भारत के राष्ट्र ध्वज दोनों देशों के समृद्ध संबंधों की भी गवाही दे रहे थे। इन सबके बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने नेपाल से आए अतिथियों का अभिनंदन किया। शिला समर्पण समारोह संक्षिप्त सभा के रूप में भी बदला और वक्ताओं ने इस अवसर को नेपाल और अयोध्या के प्राचीन संबंधों को नया तेवर एवं क्लेवर प्रदान करने वाला बताया। जानकी मंदिर के महंत राम तपेश्वर दास ने दूल्हा दुल्हन सरकार की जय के जयकारे लगाकर अयोध्या और नेपाल के त्रेता युग के संबंधों को पुनर्जीवित किया। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने शिला समर्पित करने के लिए जनकपुरी मंदिर नेपाल सरकार के प्रति आभार जताया। शिला का स्वागत करने के लिए इस दौरान बड़ी संख्या में साधु संत और अयोध्या वासी मौजूद रहे।